नमस्कार, दूरदर्शन खबरां च आप सब दा स्वागत। मैं जितेंद्र सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। उत्तर प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी चो कढ़े गए विधानकार कुलदीप सिंह सेंगर नूं जबर जनाह मामले विच उम्र कैद की सज़ा, 25 लाख रुपए का जुर्माना। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हां दी सरकार ने भारत नूं 50 खरब डालर वाला अर्थचारा बनाउण लई कई सुधार लियांदे ने। दिल्ली विच एसोचैम दे सालाना समागम दौरान अपने संबोधन विच निर्मला सीतारमन ने कहा कि अर्थचारे की मजबूती लई शुरू किए गए सुधार अगे भी जारी रहणगे। जावड़ेकर ने कहा है कि कार्बन निकासी नूं लैके पैरिस समझौते अनुसार भारत की कारगुजारी इस वेले सब तो वधिया। दिल्ली विच नागरिकता सोध कानून नूं लैके वख-वख थाईं रोस मुजारिआं ने दिल्ली दी रफ्तार ते लगाई ब्रेक। झारखंड विधानसभा लई 5वें ते आखिरी गेड़ तहत मतदान दा काम कुल मिला के अमन अमान नाल संपन्न। उत्तर भारत के उचेरे पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी ते पंजाब हरियाणा ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में तापमान में कमी नाल ठंड का प्रकोप होर वधिया। पंजाब के ज़्यादातर शहरों में पिछले कई दिनों तो बदलवाई बने रहन करके अते कई थाई धुंद कारण आम जनजीवन ते पिया असर। ते हुण खबरां विस्तार नाल। दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश तो पार्टी चो कढ़े गए भाजपा विधानकार कुलदीप सिंह सेंगर नूं उनाओ जबर जनाह मामले विच ता उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। ज़िला जज धर्मेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश के उनाओ विच 2017 विच वापरे नाबालग लड़की नाल जबर जनाह मामले विच उम्र कैद तो इलावा सेंगर ते 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली अदालत ने बीते सोमवार कुलदीप सिंह सेंगर नूं भारतीय दंडावली ते पॉक्सो कानून तहत जबर जनाह का दोषी करार दिता सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नूं 50 खरब डालर वाला अर्थचारा बनाउण वास्ते इसकी मजबूत नींह तैयार करने लई सरकार ने कई सुधार किए ने। अज नवी दिल्ली विच सनअत अते व्यापार की संस्था एसोचैम के सालाना समागम नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि पिछले 5 सालां दौरान देश ने अपने आप नूं इस तरह मजबूत किया है कि टीचे मिथे जा सकते हैं ते उन्हां नूं हासिल भी किया जा सकता है। मोदी ने कहा कि टीचे नूं हासिल करन वास्ते सारे देशवासियों नूं अपनियां जिम्मेवारियां निभाउणियां पैणगियां। उन्हां कहा कि 5 वरे पहलां भारत का अर्थचारा गिरावट वाले पासे जा रहा सी ते उन्हां दी सरकार ने इस विच अनुशासन ते हां पक्षी तब्दीली लियांदी है। मोदी ने कहा कि सरकार किसी भी वंगार तो घबराउंदी नहीं है। भारत विच एक अजिही सरकार है जो किसानां किरतियां ते कारपोरेट घराणे दी सुणदी है। उन्हां कहा कि NDA सरकार वल्लों चुके गए कदमां नाल हुण 13 बैंक लाभ वाले पासे आ गए ने। उन्होंने बैंकों के कारपोरेट खेत्र नाल जुड़े लोगों को यकीन दवाया कि पुरानियां कमजोरियां दूर कर दित्तियां गईयां ने ते ओह हुण दलेरी नाल फैसला लै सकते ने, निवेश कर सकते ने ते खर्च भी कर सकते ने। उन्होंने कहा कि टैक्स प्रणाली विच सुधार किया गया है ते इस विच पारदर्शिता ते जवाबदेही लियांदी गई है। ताको लेकर आज जो चर्चाएं हो रही हैं मैं उससे भली भांति परिचित हूं। हमें ये भी याद करना होगा कि पहले की सरकार के समय एक क्वार्टर में GDP की विकास दर 3.5% तक पहुंच गई थी। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि उस समय कुछ लोग क्यों चुप थे। फ्रेंड्स, देश की अर्थव्यवस्था में ऐसे उतार चढ़ाव पहले भी आए। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि देश के अर्थचारे नूं मजबूती वाले पासे लियाउण लई शुरू किए गए सुधारों का सिलसिला अगे भी जारी रहेगा। अज नवी दिल्ली में एसोचैम के सालाना समागम नूं संबोधन करदिआं खजाना मंत्री ने कहा कि वह बजट में सारियां धिरां का ध्यान रखने वास्ते वख-वख धिरां नाल बजट तो पहलां दा विचार वटांदरा कर रहे हैं। इन्हां मीटिंगां दौरान मिले सुझावां ते बजट में पूरा ध्यान रखा जाएगा। निर्मला सीतारमन ने मौजूदा टैक्स ढांचे नूं होर भी लचीला किए जाण दा इशारा दिता। Indeed not reaching those who need it. We needed to spend some time and that is what I did personally. The problem was identified and we have had several sittings and also the banks were made to go to the districts, made to go and meet up with NBFCs and start giving the money out. केंद्रीय व्यापार ते सनअत मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संकल्प अते सिद्धि
समय की मांग है। सनत और सरकार को मिलजुल के काम करना चाहिए है। अज नवी दिल्ली में एसोचैम के समागम में संबोधन करद उन्होंने कहा कि जे छोटिया दरमियानिया सनतों का खेतर कामयाब नहीं हों तो वड्डिया सनतों भी सफलता नहीं मिल सकती। पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार सनतों जुड़िया समस्यावां के हल लई लगातार यतनशील है। केंद्रीय वातावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कार्बन निकासी को लैके पैरिस समझौते अनुसार भारत की कारगुजारी इस वेले सब तो वधिया है और वह छेती ही कार्बन निकासी विच कटौती का तय टीचा हासिल कर लेगा। अज बाद दोपहर नवी दिल्ली विच मीडिया को संबोधन करद जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने कार्बन निकासी की तीव्रता विच कटौती का टीचा 35% रखिया सी ते उसने हुण तक कार्बन निकासी की तीव्रता विच 21% कटौती हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि भारत के पौन पानी तब्दीली के असर घट कर वातावरण की संभाल में लैके किए गए यत्नों की हाल ही विच संयुक्त राष्ट्र के पौन पानी की तब्दीली बारे 25वें सैशन दौरान शलाघा की गई। जावड़ेकर ने कहा कि इस सम्मेलन दौरान भारत के हितों विरुद्ध और भारत वालों लए गए स्टैंड विरुद्ध कोई भी फैसला नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि ब्राज़ील दक्षण अफ्रीका भारत चीन और उस वर्गे 40 होर विकसित मुल्क इस मुद्दे पर इकट्ठे सन और उन्होंने इस एकजुटता का लाभ मिलया। दिल्ली विच नागरिकता सोध कानून नूं लैके वख-वख थाईं रोस मुजहरे किए गए जिन्हां करके आवाजाई ते बहुत माड़ा असर प्रभाव पिया। पुरानी दिल्ली विच भीम आर्मी वालों मुजहराकारियां ने करके लोग कई कई घंटे ट्रैफिक जाम विच फसे रहे। सैकड़े की गिणती विच मुजहराकारियां ने सड़कां ते जाम लगाए। जामा मस्जिद और लाल किला जाण वालियां वख-वख सड़कां ते लंबे लंबे ट्रैफिक जाम देखे गए। दिल्ली विच एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि नेता जी सुभाष मार्ग नूं मोटर गड्डियां लई बंद कर दिता गया है। दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट में दसिया कि ओल्ड आयरन ब्रिज पुश्ता रोड और सीलमपुर तो यमुना विहार जाने वाले रस्ते ते रोस विखाव्या कारण ट्रैफिक आवाजाई बंद कर दी गई। रोस विखाव्या वाली थान ते पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। झारखंड विधानसभा लई 5वें ते आखिरी गेड़ तहत वोटां पाउण दा काम अज कुल मिला के अमन अमान नाल संपन्न हो गया। शुरुआती अंकड़ों मुताबक इस गेड़ विच कुल मिला के 71% वोलिंग हुई। संथान परगना दियां 16 सीटां लई अज वोटां पवाईयां गईयां। नक्सल प्रभावित 5 विधानसभा खेत्रां विच सवेरे 8 बजे तो बाद दोपहर 3 बजे तक वोटां पवाईयां गईयां जदके बाकी रहिंदे 11 विधानसभा हलकियां विच शाम 5 बजे तक वोटां पवाईयां गईयां। 81 मैंबरी झारखंड विधानसभा लई 3 नवंबर तो लैके अज 20 दसंबर तक 5 गेड़ां तहत मतदान करवाया गया। झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटां पाउण दे काम लई भारी सुरक्षा के प्रबंध किए गए सन। वोटां की गिणती आउंदे सोमवार 23 दसंबर नूं होवेगी। इस वार पंजाब विच नरमे की पैदावार विच पिछले साल के मुकाबले चोखा वाधा होया है। हुण तक पंजाब विच 5 लाख क्विंटल नरमे की सरकारी खरीद हुई है जिस विचों सिर्फ बठिंडा जिले विच 1 लाख क्विंटल के करीब नरमे की खरीद शामिल है। मालवा खेतर की नरमा पट्टी विच बठिंडे का इलाका भी इस फसल की काश्त लई अहम मनिया जाता है। बठिंडा जिले के खेतीबाड़ी सूचना अफसर डॉक्टर गुरतेज सिंह ने प्रसार भारती के नुमाइंदे नाल गलबात करदिआं दस्सिया कि हुण तक बठिंडा जिले में 4,39,000 क्विंटल तो वध नरमा आ चुका है जिस विचों 1 लाख क्विंटल सरकारी खरीद हुई और 3 लाख क्विंटल के करीब नरमा आढ़तियां कोल मंडी विच विकिया। उन्हां दस्सिया कि इस बार नरमे की औसत झाड़ विच वाधा होया है। नरमे की जे आपां कास्त वेखी पिछले साल के मुकाबले की काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। एक तो झाड़ दे विच काफ़ी फर्क पिया है। एक रकबा भी है जिहड़ा पिछले साल नालों ऐतकी ज़्यादा वध गया सीगा। जिथों ताईं झाड़ दा संबंध आ लगभग ऐतकी साडा 10 क्विंटल प्रति एकड़ की एवरेज तक जा रहा। पिछले साल साढ़े 8 क्विंटल 88 किलो जानी लगभग 9 क्विंटल के नेड़ है जिहड़ी हो सीगी। जदों मंडियां दे विच अराइवल वेने आ साडी लगभग 4,39,114 क्विंटल इस वेले जिहड़ी विक चुकी है। मंडी विच आए नरमे की फसल वेचण आए किसानां ने कहा कि इस बार नरमे का झाड़ वधिया निकलिया है पर आढ़तियां वालों उन्हां नूं फसल की सरकारी कीमत नहीं दिती जा रही। नहीं जी चकाई तो फिलहाल हो गई तो नरमे का झाड़ भी ठीक सी पर सानू रेट नहीं ना मिलता जी। रेट का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जे आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट ना जोड़ के देखिए तो कुछ भी ना मात्र भी नहीं रेट ये ठीक है। तो मुल बहुत ज़्यादा पैन लग गया। चकाइया साढ़िया बढ़ गई यदा मान लो कला झाड़ ही वध्या साडी इनकम नहीं वधी। नहीं फसल तो ठीक हुई है जी तो 59,500 ही बिक रहा है। इस करके जिमीदार घाटे च ही है। मौसम नाल जी जिमीदारां दी कणक बिजाई बहुत लेट हो गई तो नरमे वेले हुण हत्थ नहीं खुल्ला।
ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੋਗਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਥਾਣਾ ਮਹਿਣਾ ਲਾਗੇ ਦੋ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਲੋਹਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਭਜਾਈ ਅਤੇ ਕੋਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਗਾ ਦੇ SP ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ DSP ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਘੜਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਘਾਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਠੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 4.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 6.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 6.9, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 7.4, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 7.6, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 9.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਬਾਲਾ, ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ, ਨਾਰਨੌਲ, ਸਿਰਸਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪਈ। ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਉਧਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਂਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਦਰਾਸ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ -16.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਨਿਹਾਲ ਬੈਲਟ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ -1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੁਲਮਰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ -6.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ -2.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਚੇਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਕਿਲੋਂਗ ਵਿੱਚ 6.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਿਨੌਰ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ, ਲੇਡੀ ਆਫ਼ ਕਿਲੋਂਗ ਅਤੇ 7 ਸਿਸਟਰਜ਼ ਹਿਲਸ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਲੋਂਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ -6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਕਲਪਾ ਵਿੱਚ 0.2, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ 2.1, ਸੋਲਨ ਵਿੱਚ 2.5, ਜਦਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 2.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਂਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਮੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।